हेलो प्यारे बच्चों, नमस्कार। अभी स्टूडियो में बिल्कुल आसान तरीके से 225 का वर्गमूल निकालेंगे। वर्गमूल को कैसे लिखते हैं? अनरूट से लिखते हैं। तो यहाँ पर हम सर्वप्रथम इसके अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो अभाज्य गुणनखंड के लिए हमें क्या करना है, इसमें अपनी अभाज्य संख्याओं का भाग देना है। अभाज्य संख्याएँ कौन सी होती है? 2, 3, 5, 7, ये 1 से लेकर 10 तक की अभाज्य संख्याएँ। सर्वप्रथम हम देखेंगे क्या ये 2 से भाज्य है? नहीं है। 2 से कौन सी संख्या भाज्य रहती है जिनका इकाई अंक क्या हो? ये जो लास्ट अंक है ये क्या हो? 0, 2, 4, 6, 8, इनमें से कोई हो वे संख्या 2 से विभाज्य है। तो ये 2 से विभाज्य नहीं है, तो आगे 3 का चयन करेंगे। 3 का भाग दिया, 7 3 21, 5 3 15, 75 आ गया। फिर इसमें 3 का भाग 2 बार 5 बार, 25, 25 में 5 का भाग आपका 5 बार, 5 में 5 का भाग आपका 1 बार। तो 225 के गुणनखंड क्या आ गए? 2 समान संख्या का जोड़ा 1 बार, 2 समान संख्या का जोड़ा 1 बार, 3 गुणा 5 कितना आ गया? 15 आ गया। ठीक है, 225 का वर्गमूल कितना होता है? 15 होता है। आसान है,